बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। आज बात करेंगे कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन मई 2018 इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कैप्रिकॉन के जायचे के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है इस महीने, बहुत ही पॉजिटिव सितारों की पोजीशन है। आपकी शख्सियत के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, डिसीजन ले सकेंगे, बड़े बड़े डिसीजन कर सकेंगे, बड़े पॉजिटिव आप फैसले लेंगे। तो इस हवाले से जो ये महीना है आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। अगर दूसरे एस्पेक्ट से बात करें, प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं, प्रॉपर्टी के मामलात बहुत अच्छे आपके नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी की परचेज, प्रॉपर्टी की सेल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट हैं वो तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट आपके लिए हल होते नज़र आ रहे हैं। आपको उनका पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। अगर आपकी कहीं शराकती प्रॉपर्टी है, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट हल होता नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो दूसरा पॉजिटिव एरिया है वो है आपका दोस्तों से मामला। दोस्तों की तरफ से रुपये पैसे के मामला में आपको सपोर्ट होती मिल रही है, सपोर्ट होती नज़र आ रही है। आपको अगर किसी हवाले से भी सपोर्ट की ज़रूरत है तो दोस्त आपको इस महीने सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो प्रॉब्लमेटिक बात है वो ये है कि ड्राइविंग के हवाले से ख़तरनाक महीना नज़र आता है। एक्सीडेंट होने के इम्कान नज़र आते हैं, सर्जरी होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, सदका खैरात करना है, अल्लाह ताला का नाम मुबारक हैं उनको विर्द में रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस नहुसत से आप महफूज रहेंगे। सेहत के खतरात नज़र आ रहे हैं, सेहत के हवाले से लॉन्ग टर्म बीमारी होती हुई नज़र आ रही है। इन चीज़ों को जहन में रखें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।